क्वेश्चन नंबर थ्री मेन फैक्टर विच लिमिट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अ क्लियर डे अब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है क्लियर डे अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में जो ब्लैकमैन ने दिया था कि एक कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है लेट्स से फोटोसिंथेसिस तो उसकी अगर हमें रेट डिटरमाइन करनी है तो मेनली वो फैक्टर जो कि मिनिमम वैल्यू के बहुत पास है या जिसका शॉर्ट सप्लाई है वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा या वही लिमिटिंग फैक्टर होगा जो रेट को अफेक्ट कर रहा होगा तो इसीलिए लिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा ऑन अ क्लियर डे तो स्पेसिफाई किया गया है क्लियर डे तो क्लियर डे में यानी प्रॉपर लाइट रहेगी तो क्लियर डे है तो इसलिए प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी एंड प्रॉपर ऑप्टिमम ड्यूरेशन प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी होने की वजह से ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होगा जो प्लांट्स को चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए सो देयर विल बी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्लांट्स टू परफॉर्म photosynthesis एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अब क्योंकि ये सारे फैक्टर्स सही हैं एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें क्लोरोफिल क्लोरोफिल इंटरनल प्लांट फैक्टर है तो वो यहाँ पर क्लियर डेसी रिलेशन में नहीं है तो वो लिमिटिंग नहीं होगा इसके बाद लाइट बिल्कुल भी लिमिटिंग नहीं होगी टेम्परेचर भी लिमिटिंग नहीं है वाटर वाटर का एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है रेट ऑफ फोटो पे तो मेनली यहाँ पर जो फैक्टर लिमिटिंग होगा क्लियर डे पे वो क्या हो जाएगा सी ओ टू तो जो लिमिटिंग फैक्टर है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा सी ओ टू जनरली जो सी ओ टू है एटमोसफियर में वो थ्री हंड्रेड पी पी एम से फोर हंड्रेड में है तो ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है प्लांट्स के लिए मेनली सी थ्री प्लांट्स के लिए तो लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर सी ओ टू होगा और यही डिसाइड करेगा रेट ऑफ़ फोटो सिंथेसिस को अगर सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ़ फोटो सिंथेसिस कम हो जाएगा सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ़ फोटो सिंथेसिस भी ज़्यादा तो इसीलिए यहाँ पर जो मेन फैक्टर है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करेगा क्लियर डे पे क्लोरोफिल नहीं है लाइट ऑप्टिमम है वाटर हैज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर का वैसे भी नहीं काम करेगा एंड वाटर ऑलरेडी इतना ज्यादा है वन परसेंट ही यूज हो रहा है बाकी लॉस हो जा रहा है बाय ट्रांसपेरेशन तो इसीलिए जो मेन लिमिटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी सी ओ टू तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी